ये देखो भाई, ये वाला जो हिस्सा है ये उखाड़ दिया यहाँ से, उधर नीचे फटाक से गिरा जाके। ये वाला हल्का फुल्का, इसको भी आपने देखा होगा, ये पैकेट तो पूरा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो भाई, हम और हमारी धर्मपत्नी जा रहे हैं कहीं लंबे टूर पे घूमने के लिए, टिकट बुक करा लिए हैं। देखो ये है रिजर्वेशन। ये वाला सिलेंडर भाई लीक कर रहा था, दूसरा दे रहे हैं अभी, अब इसको भी चेक करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे बनाया जा रहा है हलवा, और कोई तो घर पे है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे हलवा एंजॉय करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी बना है, ये रवे का। ये देखो इतना ज़्यादा क्यों दे दी मुझे, मैं भी खाऊंगी इसी में। हाँ। ये बवाल नहीं चलेगा, चलेगा इसी में, नहीं खिलाएंगे हम किसी को। एक नंबर बना का फेक नंबर। वैसे भाई यार 27 अप्रैल है और अभी भी न्यूज़पेपर में निकला है कि सुबह 9 बजे से रात के 9 तक लाइट कटेगी, और मतलब 12 घंटे लाइट कटेगी ना। तो उस चक्कर में हमने सब कुछ भर के रख लिया है, पानी टंकी वगैरह, बाल्टी वगैरह, टब वगैरह सब भर लिया है, लेकिन फिर भी 12 घंटे बहुत होते हैं। मेरे ख्याल से पानी ख़त्म हो ही जाएगा, ये बहुत लंबी कटौती, पता नहीं सर क्यों पेपर में निकला हुआ है लेकिन निकला है। तो ये भाई अभी हमको नहा धोना बाकी है, बाकी सरदार तो सुबह सुबह नहा लेती 6 बजे, इनका भाई रोज़ का है, सुबह 6 बजे नहा लेगी एकदम फ्रेश होकर, फिर एकदम बढ़िया से पूजा करके आएंगे किचन में खाना बनाने, ये बढ़िया है इनका। भाई हमारे यहाँ के बंदर ना बहुत ही उदंड हो चुके हैं अब तो, मतलब कोई लिमिट नहीं बची इन लोगों की। सामने जो आप ये रेलिंग देख पा रहे हैं वाइट वाले पिलर, इसका आधा नीचे गिरा जाके, अभी इस पर कूदे हैं, आधा नीचे गिरा जाके धाड़ से, बस गया कोई अगर नीचे खड़ा होता तो खोपड़ी फट जाती फटाक से भी। ये देखो भाई, ये वाला जो हिस्सा है ये उखाड़ दिया यहाँ से, उधर नीचे फटाक से गिरा जाके। तुलसी पेड़ हमने यहाँ पे लगाया था, अभी हमने दिखाया था वीडियो में, ये देखो इसको 9 चांस के बराबर कर दिया, इतना सा बचा है, लेकिन फिलहाल ठीक है। अब क्या बताएं, जो हमने पहला वाला लगाया था वो तो बेकार हो गया, दूसरा लगाया था ये वाला जो हमने आपको दिखाया था जिस दिन सीएम योगी जी आए थे उस दिन हमने खरीदा था, तो ये भी भाई बेकार कर डाला उन्होंने, अब थोड़ा चल रहा है वो। भाई देखो पुदीना आया, कितना प्यारा लग रहा है पुदीना देखने में, एकदम हरा भरा सा एकदम। इसकी चटनी बनेगी, यहाँ पे मुझे सोया रखा है, यहाँ पे है ये क्या नींबू, सरता जी आज पूरा लगी हुई। हाँ वैसे भाई आज केवटी की दाल बनने वाली थी, बट उसमें ना जो मटर की दाल होती है उसमें घुन हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब सड़ गई पूरी दाल, पता नहीं कैसी कर रखी थी, बेकार हो गई पूरी। तो फिलहाल का सभी टाइम ऐसा है कि हम नहा धो चुके हैं और खाना वाना भी खा चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल तो। और मैं आपको ना एक बहुत ही विचित्र दिखाने वाला हूँ आज, बहुत ही अनोखी चीज़, मतलब ऐसा होता है नहीं कभी, लेकिन ये क्या भाई, कीड़ा वीड़ा घुसाते हैं यार रूम में, क्या है ये, कहाँ से आया तुम्हें, हुस 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 बंद कर लेता हूँ भाई, सब घुसाते हैं यार। चलो मैं ये कह रहा था कि मैं आपको बहुत ही अनोखी चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब ऐसा कभी होता है नहीं लेकिन ये हो गया, पता नहीं कैसे क्या। ये जो कंपनी है नमकीन वगैरह की, जो नमकीन बनाती है, खुशहाल कंपनी, नाम सुना होगा आपने, तो उसका यह प्रोडक्ट है ये वाला हल्का फुल्का, इसको भी आपने देखा होगा। लेकिन भाई हमारे पड़ोस में दुकान है, हमने वहाँ से इसको परचेस किया, तो पता क्या निकला, ये पैकेट तो पूरा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हवा भरी है इसमें, और पूरा सील पैक है पैकेट ये वाला, देखना ये देखना है, पूरा सील पैक पैकेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई, पता नहीं है कैसे गलती हुई लोगों से, इस कंपनी वालों से। ये खुशहाल है भाई, मैं इसकी बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे गलती वैसे हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही यूनिक लगा हमको, खाली पैकेट आ गया भाई कुछ नहीं है भाई इसके अंदर, कुछ नहीं है, होता तो हिलता, वैसे हल्का फुल्का इसके अंदर होते हैं जो बने हैं ऊपर ये। तो सोचा कि आप लोगों को दिखाते हैं मतलब कैसे गलती रहती है लोगों से जो आप पैकिंग करते हैं उनसे। A few moments later. तो भाई हम और हमारी धर्मपत्नी जा रहे हैं कहीं लंबे टूर पे घूमने के लिए, और कहाँ जा रहे हैं ये सोच रहा हूँ मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ, फिलहाल हमने ना टिकट बुक करा लिए हैं। देखो ये है रिजर्वेशन, इंडियन रेलवे का रिजर्वेशन है ये, तो ये टिकट बुक हो चुका है 3 तारीख के लिए, आज हो गई है शायद 30 तारीख, 30 अप्रैल है आज, और अभी 3 दिन बाद हम लोग जा रहे हैं कहीं बहुत लंबे टूर पे। आप लोग फिलहाल जल्दी गेस नहीं कर पाओगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। तो बताना कैसा क्या रहेगा 3 तारीख को, अगर वहाँ जाएंगे तो, अगर किसी को पता उसके बारे में तो, फिलहाल हमको तो पता है नहीं, तो हमने 3 तारीख के लिए टिकट बुक कर लिया था और हम जाएँ सरदा जा रहे, दोनों जाएंगे आराम से, बड़े घूम के आएंगे दर्शन करेंगे, और वहाँ रुकना उकना है नहीं यार, रुकने को प्लान हमने बनाया है नहीं, तो 3 को पहुँचेंगे, 3 को दर्शन करेंगे और शाम को वहाँ से निकल लेंगे, ऐसा हमने कुछ प्लान बनाया है फिलहाल, देखते हैं कैसे क्या रहता है। फिलहाल गर्मी तो आजकल बहुत हो रही है, आप देख सकते हैं चारों तरफ,
कितनी गर्मी, धूप कितनी तेज है, तो ये सीन है भाई। और देखते हैं कैसा क्या रहता है। ट्रेन से जाएंगे, पहली बार तो लंबा सफ़र करेंगे, मतलब रिजर्वेशन करा के पहली बार तो लंबा सफ़र करेंगे ट्रेन से, और हम उतरता साथ में, और कोई नहीं फिलहाल। तो यही था भाई, यही मैं आपको बता, हाथ में है रिजर्वेशन टिकट दोनों का, एक ये वाला आने जाने का है और नीचे वाला आने का वापसी का है, तो दोनों हमने एक साथ बुक करा लिए थे भाई। अब जा रहे हैं, देखते कैसे क्या रहता है, और आप लोग देखना व्लॉग, एंजॉय करना, काफ़ी मजा आने वाली है, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। तो ये था भाई, भाई अभी बता, अरे साफ कर, तो इतनी धूल लगी इसके, इतनी धूल लगी भाई इसके ऊपर, साफ कर। डीजे भाई ने सिलेंडर बुक किया था, सिलेंडर देने आ गया, डीजे भाई ने फोन उठाया नहीं क्योंकि सो रहे थे पड़े, रात में डीजे बजा के आया ना, तो दिन में देर तक सोया करते हैं, तो सिलेंडर वाला आके वापस चला गया। अभी ने बुला रहा है मंगली ब्रो फाटक तक कि आओ भैया ले जाओ के सिलेंडर। मोहित भाई अभी उठे तड़बड़ा के एकदम से, तो सिलेंडर पहुंच रहे हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए मंगली ब्रो फाटक। क्या इसे कल भी तो आया था, हमने मना कर दिया, हमने वहाँ चाहिए नहीं। अच्छा, जलवा है हमारा यहाँ, ठीक। ऐसा करो, कल नींद खराब करना, आज ना खराब करो, तब तो तुम्हारे साले खत्म हो गए। अब शादी वगैरह सब खत्म हो चुकी हैं, सालक भी खत्म हो चुकी हैं, मोहित भाई घर पे रहेंगे बस, घर पे अंडे देंगे और हम लोग रील बनाएंगे बस, आजकल ब्लॉग बनाएंगे बस, और कोई काम नहीं बचा, बस यही करेंगे। गाइस पल्सर कैसी लग रही है बताना कमेंट करके। फिलहाल मैं इसको बहुत साफ रखता हूँ यार, एकदम चमकमा करती है, काली है ना, गंदी बहुत जल्दी हो जाती है और चमकती भी बहुत है जब इसको साफ कर दो तब। तो ये भाई काले का फ़ायदा है भाई, काले लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आप लोग दो काले लोगों को देख पा रहे होंगे अभी कैमरे पे। भाई दोपहर के एक बजे जो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना भाई, एक बार आप लोग भी अपने घर से निकलना दोपहर में एक बजे जैसे हम लोग निकले हैं, तो मजा लेना भाई, कितनी ठंडी हवा लगती है भाई, एकदम मस्त मौसम है भाई, है ना मोहित? लगती है बता रहे हैं, रात की मतलब डीजे बस वहीं परे परे बस। हाँ चेक कर देना भैया लीकेज वगैरह जो भी है इसकी, सही है। ये वाला सिलेंडर भाई लीक कर रहा था, दूसरा दे रहे हैं अभी, अब इसको भी चेक करेंगे, ऐसे आप लोग भी चेक करवा लिया करो यार लीकेज वगैरह। लो अब ये वाला चेक हो रहा है, ये सही है, सही है ना ये वाला। इन्होंने कहा था मंगलीपुर फाटक पे आ जाना, खड़े हैं यहाँ बड़कोनी दुकान के पास, क्या मतलब कोई सही लोकेशन नहीं बताते लोग। भाई धूप में सिलेंडर ले आए हैं, लू लग गई है बहुत भयंकर, इतनी तेज गर्म हवा चल रही थी, धूप है, दिमाग खराब हो गया, ठीक है रख दो। हाँ यार हमें लगा आज 30 तारीख है लेकिन आज तो 29 तारीख है, और अभी क्या करना है, अभी फिलहाल हम जाएंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों को, आज उनका टेस्ट लेंगे जाके, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको करके शाम को आपको दिखा देंगे। तो ये था भाई आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा उसके बारे में बताना, और हम मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।